यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों पर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन उपचुनाव को साख की लड़ाई बना चुके सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और इन 10 विधानसभा सीटों में फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की खास नजर है। यही वजह रही कि पिछले 15 दिन में तीसरी बार सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा किया। मुख्यमंत्री वहां रोजगार मेले में शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक एक डॉक्टर के साथ एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हवाई मेट पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने जहां कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का जिक्र कर हिंदुओं को गोल बंद करने की कोशिश की, वहीं रेप की घटनाओं का जिक्र कर अखिलेश समेत विपक्ष को निशाने पर भी लिया। चूंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है और राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीत लिया जाए। वहीं इस बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बीएसपी ने मिल्कीपुर सीट से रामगोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।